एक जोक सुनाता। अब हम लोग 2 से 3 हो गए अबे मतलब बदतमीज। दीदी और मेरे साथ में मम्मी भी आ गई हमें ज्वाइन करने के लिए, और अभी थोड़ा सा अंधेरा है। और गाइस ऐसे ही हम भी चाहते कि जो अपने यूट्यूब फैमिली फैमिली वो तो ये तो हमारी फैमिली बड़ी है। मतलब अभी कैमरे के सामने ऑन टू द कैमरा, मम्मी इधर आ जाओ। तो गाइस यहाँ से भी चल सकते हैं हम लोग, इधर से आ जाओ। तो गाइस हम लोग चलते हैं आगे। नमस्कार चाचा जी, ये एक नया सा बना है और हम लोग पहली बार यहाँ से जा रहे हैं। बस बढ़िया। और कब से है यहाँ पे आप? अच्छा जी सर, जब से बना हुआ है तब से ही। तो गाइस यहाँ से जो चल रहे हैं हम लोग प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं, तो ठीक है। काफ़ी यहाँ पर भी शॉप्स वगैरह। अब उस साइड से गाइस जो नमस्ते करता है वो आपको दिख नहीं पाएगा, क्योंकि या तो फ्रंट कैमरा चला सकते हैं हम लोग, अभी बोथ कैमरे से नहीं चला रहे। और ये भाई हमारे रूपेश रूपेश है, और इनकी है हेयर कट सैलून जो कि गुरुद्वारे के बाजू में है ना। तो जिसको भी अगर शेविंग वगैरह करवाना है तो ये बहुत अच्छी करते हैं। पर्सनली हम लोग भी करवाते हैं और इनके पापा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये मतलब बरसों से करते आ रहे हैं, पूरी फैमिली करते आ रही है। ठीक है चले। तो गाइस अब हम लोग आ गए कृष्णा रेस्टोरेंट एंड कैफे में। हम लोग अब चलेंगे यहाँ से बाहर ही जा रहे हैं हम लोग गाइस, और इधर राइट साइड में गुरुद्वारा है। तो हम लोग गुरुद्वारा, और सामने गाइस जस्ट आपको दिखेंगे यहाँ पर थाना है, और थाने में इतनी गाड़ी खड़ी है, आज सुबह भी मैंने बात करी थी, इतनी गाड़ी खड़ी है कि गाइस हमारे यहाँ शोरूम्स में भी नहीं होती। ये हमारे यहाँ का गाइस गुरुद्वारा है, हम लोग गुरुद्वारा साहब के सामने खड़े हुए हैं। हम लोग जा सकते कि नहीं जा सकते गाइस? ये है हमारे यहाँ का गुरुद्वारा, और क्या अब यहाँ पे कोई हमारे को घुमाएगा गाइस तो हम जा सकते हैं। मुझे तो पूरा बंद दिख रहा है, सतनाम वाहेगुरु। अब ये जब ये गाइस ये ताला लगा है, तो अब हम देखते हैं कब खुलता है, फिर हम लोग आएंगे। और यहाँ पे जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेंगे, मतलब जो गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं, फिर हम आपको बकायदा उनके सानिध्य में लेकर आएंगे। ऊपर ऊपर ही जाना पड़ता है गुरुद्वारे से। देन अब हम लोग चल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ से कौन आए हैं, और बेसिकली कौन क्या गीत गा रहा है, और किस उपलक्ष्य में किसके तत्वाधान में सारा कार्यक्रम चल रहा है। और अभी थोड़ी देर में हम एक बार और चक्कर मार लेंगे इधर, तो आपको यहाँ पर भी बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए दिख जाएंगे, यातायात पुलिस भी यहाँ पर दिख गए हैं। बड़ी गाड़ियों को गाइस रोक दिया गया है, और नीचे आप जब भी यहाँ से चले तो गोबर वगैरह से बच के चले, नीचे पड़े रहते हैं मतलब यहाँ, जबकि भैंस गाय यहाँ से जाती नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है आजकल, नहीं जाती तब भी सारी चीज़। और गाइस ये एक प्लेस है जो कामधेनु चौक जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी डार्क स्पॉट है, और लोकल प्रशासन जरूर यहाँ पर ध्यान दे। यहाँ पर दो जगह, एक बार फिर से मैं कहूँगा, यहाँ पर दो जगह हैलोजन लाइट लगाने की बहुत आवश्यकता है गाइस। ये डार्क स्पॉट है और यहाँ पर कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है निकट भविष्य में। हाँ, तो मुझे अभी तक 3 स्पॉट समझ में आए, और हमारे ताप्ती अर्जुन की तरफ से मैं भी रिकमेंड करूँगा कि जो डार्क स्पॉट्स है हमारे मुल्तान में, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो प्रॉपरली, जिससे जो भी घटनाएं अगर घटित होने वाली हो तो हम उस पर अंकुश लगवाने में मदद कर सकें। तो अब हम थोड़ा बस स्टैंड की साइड पर चल रहे हैं, सामने बस स्टैंड है हमारे। हम लोग अमूमन जो है वो गाड़ी से जाते हैं, आज पैदल है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं यही बोलने वाली थी, पता है कि हम अभी पैदल चल रहे हैं, तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो अब देखते हैं, हम लोग इधर से गाइस एक रास्ता जाता है बस स्टैंड की तरफ से, और इधर से जो दूसरा रास्ता है वो जाता है सीधा, जो बस स्टैंड का दूसरा रास्ता है इधर वाला अंदर चले जाएगा। हम लोग को जाना है जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह हो रहे, तो एक देख के आते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और मतलब हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि मुल्ताई में अभी जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, या जो भी गतिविधियाँ हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, वो धार्मिक हो, कल्चरल हो, या कोई भी घटनाएं हो, तो हम हमारे दोनों चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और करें, और चैनल को बाकायदा देखें, सपोर्ट करें। और गाइज अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो हम उस आवाज़ की तरफ ही आपको लेकर चल रहे हैं। पता नहीं गाइज को आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं, होप सो कि सुनाई दे रही हो। थोड़ी देर में तो शायद सुनाए। हमारे यहाँ का बस स्टैंड का किसान स्तंभ है, और यहाँ पर भी हमको एक माऊ मिल गई है।
पता नहीं गाइस किसकी माँ हुए, हम देखते थोड़ा सा पास में जाके। ये हमारे यहाँ के किसान स्तंभ बोल सकते हैं इसको। और ये बिल्ली तो अपने घर को चली, हम लोग भी चलते हैं, वो खाने वगैरह खा रही होगी नज़र। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, बैक कैमरे से हम आपको दिखाएंगे जो भी आगे का प्रोग्राम है। इसको अलग से तोड़ के दिखाते हैं क्योंकि देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपीराइट हेयर। तो देखते हैं काय का प्रोग्राम चल रहा है। ये बब्बल भैया क्या चल रहा है, चल गाइस इधर वगैरह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बाकी एक हम लोग देख लेते कि सामने क्या चल रहा है, देख लेना थोड़ा सा समझ के। ये हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है गाइस सामने की तरफ। देखते हैं आगे क्या क्या चलेगा। बजरंगबली का पड़ा देखते गाइस। बाकी आप लोग देखिए फ्रंट कैमरे से जो भी चीजें यहाँ पर चल रही होगी, देखते हैं आप लोग आगे की तरफ। आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे।